हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद एनएच। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम राजस्थान के अंदर जितने भी किसान आंदोलन हुए हैं दोस्तों, सभी किसान आंदोलन के बारे में और साथ ही साथ जनजातीय आंदोलन जो भी हुए हैं वो सभी टॉपिक हम यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। ठीक है, यानी कि आज हमारा किसान आंदोलन और जनजातीय आंदोलन वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और कल के वीडियो में हमने मराठाओं से संबंध देखे थे, 1857 की क्रांति देखी थी और कुछ क्रांतिकारी हमने देखे थे। ठीक है, तो जिन्होंने भी वो वीडियो नहीं देखा है उस वीडियो को भी देख लें। और दोस्तों अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। ठीक है, टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए, जब ये पीडीएफ आपकी कंप्लीट हो जाएगी तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, अभी 5 से 6 वीडियो इसके आने वाले हैं, जैसे 5 से 6 वीडियो कंप्लीट हो जाएंगे तो इसकी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी के शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 तक हम डिस्कस कर चुके थे। बिजोलिया किसान आंदोलन भारत का सबसे बड़ा अहिंसात्मक व सबसे लंबा चलने वाला आंदोलन था, यह वर्तमान में किस जिले में है? तो दोस्तों बिजोलिया वर्तमान में भीलवाड़ा जिले में है, यह आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बिजोलिया किसान आंदोलन आपका 1897 से लेकर दोस्तों 1941 तक चला था। ठीक है, इसके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 84, बिजोलिया किसान आंदोलन में सबसे ज़्यादा किस जाति ने भाग लिया? तो दोस्तों यहाँ पर धाकड़ जाति के लोग सबसे ज़्यादा थे, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और अगर आपसे बेंगू किसान आंदोलन के बारे में भी पूछा जाए दोस्तों, तो बेंगू किसान आंदोलन में भी धाकड़ जाति के लोग सबसे ज़्यादा थे। आगे देखिए 85, 1894 में बिजोलिया के ठिकानेदार की मृत्यु हो गई थी, उसके बाद बिजोलिया ठिकाने पर करों में वृद्धि हुई। यानी कि बिजोलिया के किस ठिकानेदार की मृत्यु होने के बाद बिजोलिया के ठिकानों में करों में वृद्धि की गई? तो ये गोविंद दास की मृत्यु के बाद की गई थी दोस्तों। ठीक है, जब गोविंद दास की मृत्यु हो गई थी तो यहाँ पर कर बढ़ाया गया था, ये आपको ध्यान रखना है, ये सवाल आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है। आगे देखिए बिजोलिया किसान आंदोलन कितने चरणों में चला? तो दोस्तों ये 3 चरणों में चला था, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए 1921 में बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो दोस्तों 1921 में बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व रामनारायण चौधरी के द्वारा किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बेंगू किसान आंदोलन की शुरुआत 1921 में हुई थी और इसका नेतृत्व रामनारायण चौधरी द्वारा किया गया था, ये ध्यान रखना है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, आगे हम देखेंगे दोस्तों 1906 बिजोलिया ठिकाने में तलवार बदाई कर किसने लगाया? तो दोस्तों इसके बारे में एक बात मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले 1903 में राव कृष्ण सिंह के द्वारा दोस्तों कौन सा कर लगाया गया था? चौरी कर लगाया गया था, यह आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चौरी कर लगाया गया था कृष्ण सिंह के द्वारा 1903 में, कितने रुपये का? 5 रुपये का, यह आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और जब कृष्ण सिंह का बेटा हुआ दोस्तों, क्या नाम था? पृथ्वी सिंह। ठीक है, कृष्ण सिंह की 1906 में मृत्यु हो गई, तो पृथ्वी सिंह जो था इसने 1906 में तलवार बनाई कर लगाया, ये आपको ध्यान रखना है। कौन सा कर लगाया? तलवार बनाई कर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर किसके बारे में पूछा गया है? तलवार बनाई के बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पर किसने लगाया था? तो ये पृथ्वी सिंह के द्वारा लगाया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 1897 में लागबाग करों के विरोध में मृत्यु भोज पर किस गाँव में एकत्रित हुए थे? तो लागबाग करों के विरोध में मृत्यु भोज पर किस गाँव में एकत्रित हुए थे 1897 में? तो ये गिरधरपुरा में एकत्रित हुए थे, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए बिजोलिया किसान आंदोलन 3 चरणों में हुआ, इनका क्रम है। तो दोस्तों ये 3 चरणों में हुआ था बिजोलिया किसान आंदोलन। तो पहला चरण जो हो जाएगा आपका प्रथम चरण 1897 से लेकर 1915, साधु सीताराम दास। ठीक है, साधु सीताराम दास के द्वारा प्रथम चरण का नेतृत्व किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरे चरण का नेतृत्व दोस्तों 1915 से लेकर 1923 तक विजय सिंह पथिक के द्वारा किया गया था, यह आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो विजय सिंह पथिक का संबंध किससे है? दूसरे चरण से, यह भी आपको ध्यान रखना है। और तीसरा चरण जो है दोस्तों आपका ये 1923 से, यहाँ पर 23 है दोस्तों, 1923 से 1941 माणिक्य लाल वर्मा के द्वारा किया गया, और साथ ही साथ यहाँ पर जमुना लाल बजाज ने भी नेतृत्व किया था दोस्तों। किसने? जमुना लाल बजाज, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जमुना लाल बजाज के द्वारा भी यहाँ पर नेतृत्व किया गया था तीसरे चरण का। ठीक है, आगे हम देखेंगे 1906, ये दोस्तों 1906 है, 1906 पृथ्वी सिंह ने तलवार बनाई कर लगाया, यह था। तो दोस्तों तलवार बनाई कर जो था ये एक प्रकार का उत्तराधिकारी कर था, यह आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उत्तराधिकारी शुल्क था। आगे देखिए राव कृष्ण सिंह ने 1903 में 5 रुपये चौरी कर लगाया था, यह था। तो दोस्तों ये पुत्र के विवाह पर करता, चौरी कर क्या था? पुत्र के विवाह पर था, और तलवार बंधा आपका क्या हो जाएगा? उत्तराधिकारी कर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए भरड़ क्षेत्र में बूंदी किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो दोस्तों भरड़ क्षेत्र के अंदर बूंदी किसान आंदोलन का नेतृत्व नेनूराम शर्मा के द्वारा किया गया था, यह आपको ध्यान रखना है। इनका संबंध कोटा प्रजामंडल से, यह भी आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए 2 अप्रैल 1923 को, तो ये डेट आपको ध्यान रखनी दोस्तों, कब? 2 अप्रैल 1923 को डाबी गांव में नानक जी भील व देवीलाल गुज्जर शहीद हो गए, इनका संबंध किस किसान आंदोलन से था? तो दोस्तों नानक जी भील और देवीलाल गुज्जर जो थे ये झंडा गीत गा रहे थे। कौन सा गीत गा रहे थे दोस्तों? झंडा गीत गाते हुए ये शहीद हो गए थे, कहाँ पर? डाबी नामक गांव में, 2 अप्रैल 1923 को। तो ये आपको ध्यान रखना है, इनका संबंध भरड़ किसान आंदोलन या बूंदी किसान आंदोलन से था, ये आपको ध्यान रखना है। ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों चेतराम टीकूराम किसान
किस हत्याकांड में शहीद हुए थे? तो दोस्तों चेतराम जो है और टिकूराम जो है ये आपके किस हत्याकांड में शहीद हुए थे? ये कुंदन गांव हत्याकांड में शहीद हुए थे, ये आपको ध्यान रखना है। चेतराम और टिकूराम कुंदन हत्याकांड में शहीद हुए थे। आगे देखिए, जयपुर राज्य में किसान आंदोलन के समय 1922 में सिकर के ठिकानेदार थे। तो दोस्तों 1922 के समय सिकर के ठिकानेदार कौन हो जाएंगे? कल्याण सिंह हो जाएंगे। ये भी एग्जाम में एक बार पूछा गया था, ये ध्यान रखना है आपको, कल्याण सिंह। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, क्वेश्चन नंबर 97। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। 1947 में शेखावटी किसान आंदोलन की समाप्ति किसके प्रयासों से हुई? तो दोस्तों शेखावटी किसान आंदोलन की समाप्ति 1947 में हुई थी। कब हुई थी? 1947 में हुई थी। किसके प्रयासों से हुई थी दोस्तों? तो ये हीरा लाल शास्त्री के प्रयासों से हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ये अभी आपके आरपीएससी के एग्जाम में पूछा गया था, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए, 1914 में ठिकानेदार पृथ्वी सिंह की मृत्यु के बाद ठिकानेदार कौन बना जो अल्पवयस्क था, जिस कारण जागीरी प्रशासन कोर्ट ऑफ वर्ड्स महाराणा के नियंत्रण में चला गया? तो दोस्तों सबसे पहले आपका 1903 में तो कृष्ण सिंह था, फिर 1906 में आपका कौन बना? पृथ्वी सिंह बना। इसके बाद दोस्तों 1914 में कौन हो जाएगा आपका? केसरी सिंह हो जाएगा, यह आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 1914 में कौन बना जो कि अल्पवयस्क था? वो आपका केसरी सिंह हो जाएगा, यह आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो 1903 में कृष्ण सिंह, 1906 में पृथ्वी सिंह, 1914 में आपका कौन हो जाएगा? केसरी सिंह हो जाएगा। ठीक है, और केसरी सिंह उम्र में छोटा था, तो दोस्तों जो प्रशासन का कार्य था वो किसके पास चला गया? कोर्ट ऑफ वर्ड्स महाराणा के नियंत्रण में चला गया। आगे देखिए, बिजोलिया ठिकाने में उपरमाल क्षेत्र के लोग किसे महात्मा कहकर पुकारते थे? तो दोस्तों बिजोलिया ठिकाने के अंदर बिजोलिया के जो किसान थे वो विजय सिंह पथिक को महात्मा जी कहकर पुकारते थे, ये आपको ध्यान रखना है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, हरियाली अमावस्या के दिन उपरमाल पंचबोर्ड की स्थापना कब हुई? उपरमाल पंचबोर्ड की स्थापना विजय सिंह पथिक के द्वारा की गई थी दोस्तों। ये कब की गई? 1917 में की गई, बेरीसाल नामक गांव में की गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कहां पर की गई थी दोस्तों? बेरीसाल नामक गांव में की गई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। किसके द्वारा? विजय सिंह पथिक के द्वारा की गई थी। और यहां पर अध्यक्ष किसे बनाया गया था दोस्तों? यहां पर अध्यक्ष मन्ना पटेल को बनाया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। किसको बनाया गया था? मन्ना पटेल को, ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। आगे देखिए, 1921 में मैनाल के भैरवकुंड से किस किसान आंदोलन की शुरुआत हुई? तो दोस्तों मैनाल का जो भैरवकुंड है वहां से किस किसान आंदोलन की शुरुआत हुई थी? तो बेंगू किसान आंदोलन की शुरुआत हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 1921 में बेंगू किसान आंदोलन की शुरुआत हुई थी मैनाल के भैरवकुंड से। आगे देखिए, बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान विद्या प्रचारणी सभा का गठन किसने किया? तो दोस्तों विद्या प्रचारणी सभा का गठन विजय सिंह पथिक के द्वारा किया गया था। ठीक है, विद्या प्रचारणी सभा, विजय सिंह पथिक। आगे देखिए, बिजोलिया किसान आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर की पहचान दिलाने में गणेश शंकर विद्यार्थी के किस समाचार पत्र का योगदान रहा? तो दोस्तों गणेश शंकर विद्यार्थी का संबंध कहाँ से है? इनका संबंध जो है ये कानपुर से है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इनका संबंध कहाँ से है? कानपुर से। कानपुर से ये एक समाचार पत्र प्रकाशित किया करते थे बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान, ये आपको ध्यान रखना है। कौन सा था? प्रताप। ठीक है, तो प्रताप नामक समाचार पत्र में इन्होंने बिजोलिया किसान आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने की कोशिश की, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए, निमूचना हत्याकांड कब हुआ? तो निमूचना हत्याकांड आपका कब हुआ था दोस्तों? तो ये 14 मई 1925 को हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, महात्मा गांधी के द्वारा इसे दोरी डायराशाही कहा गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और निमूचना हत्याकांड जब हुआ था दोस्तों तो ये अलवर रियासत में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? अलवर रियासत में हुआ था, और उस समय वहाँ का शासक कौन था दोस्तों? जयसिंह था, ये भी आपको ध्यान रखना है। कौन था? जयसिंह। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, 1921-25 में अलवर किसान आंदोलन का कारण था। तो दोस्तों अलवर किसान आंदोलन का कारण 1921-25 में क्या था? एक कारण तो ये था दोस्तों, जंगली सूअरों का प्रभाव था, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। और दोस्तों दूसरा कारण था, महाराजा जयसिंह ने करों में वृद्धि कर दी थी, लगान में वृद्धि कर दी थी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों, तो जयसिंह के द्वारा लगान दर बढ़ाया गया था, जिसे इजारा पद्धति कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए, बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान किस प्रमुख नेता ने अपने निजी सचिव महादेव भाई को उपरमाल में किसानों की स्थिति की जांच के लिए बिजोलिया भेजा था? तो दोस्तों महादेव भाई को किसने भेजा था बिजोलिया किसान आंदोलन में जांच के लिए? तो ये महात्मा गांधी ने भेजा था, ये आपको ध्यान रखना है। ये सवाल आपका नेक्स्ट एग्जाम में बन सकता है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको ध्यान रखना है। किसको भेजा था दोस्तों? महादेव भाई को भेजा था महात्मा गांधी के द्वारा, म से महात्मा, म से महादेव को भेजा था। ठीक है, जांच के लिए। आगे देखिए, 11 फरवरी 1922 को बिजोलिया किसानों व ठिकानेदारों के बीच समझौता हुआ, उस समय राजस्थान के एजीजी कौन थे? तो दोस्तों 1922 के समय राजस्थान के जो एजीजी थे वो होलैंड थे, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कौन थे? होलैंड थे। 1922 में बिजोलिया किसानों और ठिकानेदारों के बीच में समझौता हुआ था दोस्तों, और यहाँ पर 35 कर इनके माफ़ किए गए थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उस समय कौन थे? एजीजी होलैंड, आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों राजस्थान के प्रथम एजीजी कौन थे, तो प्रथम एजीजी कौन हो जाएंगे दोस्तों? लॉकेट हो जाएंगे। ठीक है, गले में हम लॉकेट पहनते हैं ना, तो लॉकेट हो जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और 1857 की क्रांति के समय दोस्तों एजीजी कौन थे? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस थे। आगे देखिए, 1922 में समझौते के तहत बिजोलिया ठिकाने के कितने कर
समाप्त कर दिए थे। तो दोस्तों यहाँ पर 35 कर समाप्त कर दिए थे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 1941 में बिजोलिया किसान आंदोलन समाप्त हो गया, इसके बारे में कुछ चर्चा हम कर लेते हैं। इस समय बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व माणिकलाल वर्मा कर रहे थे, 1941 के समय इसका नेतृत्व माणिकलाल वर्मा कर रहे थे, ठीक है। इस समय मेवाड़ के दीवान विजय राघवाचार्य वो राजस्व मंत्री डॉक्टर मोहन सिंह मेहता थे, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ के दीवान कौन थे दोस्तों? राघवाचार्य थे, ये आपको ध्यान रखना है। कौन थे दोस्तों? राघवाचार्य, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। उदयपुर या मेवाड़ के कौन हो जाएंगे? दीवान राघवाचार्य हो जाएंगे। और राजस्व मंत्री कौन थे? मोहन सिंह मेहता थे, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों बीकानेर के कौन थे, तो बीकानेर की पन्नी थी दोस्तों, कौन थे? बीकानेर की पन्नी यानी पन्नेकर, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, पन्नेकर थे बीकानेर के। और अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों वीटी कृष्णाचारी कहाँ के थे, तो वीटी कृष्णाचारी जो थे ये कहाँ के थे, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। आगे देखिए, 44 वर्ष तक चलने वाला यह आंदोलन समाप्त हो गया, कब? 1941 में। गोविंद निवास गांव के नारायण जी पटेल का संबंध किस आंदोलन से था? तो दोस्तों नारायण जी पटेल या आपसे पूछा जाए ठाकरे जी पटेल, इनका संबंध किससे था? ठाकरे जी पटेल, ठीक है। या फिर आपसे पूछा जाए दोस्तों तुलसा भील का संबंध किससे था? ठाकरे जी पटेल का संबंध किससे था? नारायण जी पटेल का संबंध किससे था? तो बिजोलिया किसान आंदोलन से था, यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बेंगू किसान आंदोलन के तहत 1923 में शहीद हुए किसान थे, तो दोस्तों बेंगू किसान आंदोलन में कौन शहीद हुए थे? तो रूपाजी और कृपाजी शहीद हुए थे 1923 के समय में, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। रूपाजी हो जाएंगे और कृपाजी हो जाएंगे। और दोस्तों मैंने अभी आपको बताया था नानक जी भील और देवीलाल गुज्जर किससे संबंधित है, वो आपके बूंदी किसान आंदोलन से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है, बरड़ किसान आंदोलन से। और ये आपके किसके हो जाएंगे? ये आपके बेंगू किसान आंदोलन से हो जाएंगे, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। बेंगू किसान आंदोलन के दौरान हुए समझौते को बोल्शेविक समझौते की संज्ञा दी गई, यह किनके बीच हुआ? तो दोस्तों बेंगू किसान आंदोलन के तहत एक समझौता हुआ था जिसे बोल्शेविक समझौता कहा गया, ये आपको ध्यान रखना है। क्या कहा गया? बोल्शेविक समझौता कहा गया, बेंगू किसान आंदोलन के दौरान हुआ था, ठीक है। ये किस किस के मध्य हुआ था? तो ये ठाकुर अनूप सिंह और राजस्थान सेवा संघ के मध्य हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। ठाकुर अनूप सिंह के मध्य और राजस्थान सेवा संघ के मध्य हुआ था, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछा जा सकता है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, भरतपुर किसान आंदोलन के बारे में हम देख लेते हैं। 1931 में भरतपुर में नया भूमि बंदोबस्त लागू कर करों में वृद्धि की गई, तो दोस्तों 1931 में भरतपुर के अंदर भूमि बंदोबस्त लागू किया गया और वहां पर करों में वृद्धि कर दी गई, ठीक है। आंदोलन का नेतृत्व 23 नवंबर 1931 को, कब दोस्तों? 23 नवंबर 1931 को भोजी लंबरदार ने किया, ये आपको ध्यान रखना है, किसने किया? भोजी लंबरदार ने किया, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये पूछा जाता है। नवंबर 1931 में भोजी लंबरदार के गिरफ्तार होने के साथ आंदोलन समाप्त हो गया, तो भोजी लंबरदार को गिरफ्तार कर लिया गया और आंदोलन समाप्त हो गया, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो भोजी लंबरदार का संबंध भरतपुर से है और 1931 के समय दोस्तों यहां पर यह घटना घटी थी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए, अलवर में मेव किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो अलवर के अंदर मेव किसान आंदोलन का नेतृत्व दोस्तों यासीन खान के द्वारा किया गया था, यह भी एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान रखना है, ठीक है। मेव किसान आंदोलन का नेतृत्व यासीन खान ने किया था। आगे देखिए, महात्मा गांधी ने किस हत्याकांड को जलियांवाला बाग हत्याकांड की दोहरी डायराशाही की संज्ञा दी? तो दोस्तों नीमूचना का हत्याकांड 14 मई 1925 को हुआ था, उसे ही महात्मा गांधी के द्वारा दोहरी डायराशाही कहा गया है, यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए, अलवर भरतपुर क्षेत्र में किसने 1932 में अंजुमन खादिल उल इस्लाम नामक संस्था स्थापित करके मेव आंदोलन को संगठित किया? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एक सवाल तो आपसे ये पूछा जाता है अंजुमन खादिल उल इस्लाम की स्थापना कहाँ पर की गई? तो दोस्तों इसकी स्थापना अलवर में की गई, ये आपको ध्यान रखना है, कब की गई? 1932 में की गई, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और यहाँ पर किसने संगठित किया था? तो मोहम्मद हाडी ने संगठित किया था, ये भी आपको ध्यान रखना है, किसने संगठित किया यहाँ पर? मोहम्मद हाडी। तो ये मोहम्मद हाडी भी एग्जाम में पूछा जाता है, एक तो आपको मोहम्मद हाडी ध्यान रखना है और एक आपको क्या ध्यान रखना है दोस्तों? एक आपको यासीन खान ध्यान रखना है, ठीक है। ये दोनों मेव किसान आंदोलन से संबंधित है। आगे देखिए, किस किसान आंदोलन की गूंज केंद्रीय असेंबली वो ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में गूंजी? सिकर किसान आंदोलन। तो दोस्तों सिकर किसान आंदोलन एकमात्र ऐसा किसान आंदोलन था जिसकी चर्चा जो है वो आपकी दोस्तों ब्रिटेन में हुई थी, हाउस ऑफ कॉमन्स में, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सिकर किसान आंदोलन की चर्चा ब्रिटेन के अंदर हाउस ऑफ कॉमन्स में हुई थी। आगे हम देखेंगे दोस्तों, धापी दादी व किशोरी देवी का संबंध किस किसान आंदोलन से था? तो दोस्तों धापी दादी जो है और किशोरी देवी जो है इनका संबंध सिकर किसान आंदोलन से हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। किशोरी देवी जो थी ये तो कठरातल सम्मेलन से संबंधित है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वहाँ पर इन्होंने कठरातल सम्मेलन का नेतृत्व किया था किशोरी देवी ने, और वहाँ पर मुख्य वक्ता कौन थी दोस्तों? उत्तमा देवी थी। धापी दादी जो है इनका संबंध भी सिकर किसान आंदोलन से है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए, सिकर में 20 से 29 जनवरी को किस वर्ष विशाल जाट प्रजापति महायज्ञ का आयोजन किया गया? तो दोस्तों सिकर के अंदर जाट प्रजापति महायज्ञ का आयोजन किस वर्ष किया गया? 1934 में किया गया, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, कब किया गया दोस्तों? 1934 में जाट महायज्ञ का आयोजन सिकर के अंदर। आगे देखिए, 1937 में
उदरासर बीकानेर में लाख बाग के विरुद्ध आवाज़ उठाने वाले नेता थे। तो दोस्तों बीकानेर में लाख बाग के विरुद्ध आवाज़ किसने उठाई थी, तो ये जीवन चौधरी ने उठाई थी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जीवन चौधरी बीकानेर के अंदर लाख बाग के विरुद्ध आवाज़ उठाई थी 1937 में। आगे देखिए, दूधवाखारा किसान आंदोलन के प्रमुख नेताजी ने बीकानेर महाराजा श्री गंगानगर में 100 मुरब्बे जमीन देने की पेशकश की थी, लेकिन उन्होंने स्वीकार नहीं किया। तो दोस्तों इनको 100 मुरब्बे जमीन देने की पेशकश की गई थी, फिर भी इन्होंने उसे स्वीकार नहीं किया। ये कौन थे आपके, हनुमान सिंह थे, ये आपको ध्यान रखना है। कौन थे दोस्तों, हनुमान सिंह, और इनका संबंध किससे है, दूधवाखारा किसान आंदोलन से है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। हनुमान सिंह का संबंध किससे हो जाएगा दोस्तों, दूधवाखारा किसान आंदोलन से हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए, जुलाई 1946 में बीकानेर प्रजा परिषद के सम्मेलन में रायसिंह नगर में किसान शहीद हो गए। तो दोस्तों बीकानेर प्रजा परिषद में 1946 के अंदर जुलाई 1946 में बीरबल सिंह शहीद हो गए थे दोस्तों। तो यहाँ पर बीरबल दिवस मनाया जाता है, कौन सा दिवस मनाया जाता है, बीरबल दिवस मनाया जाता है बीकानेर में, ये भी आपको ध्यान रखना है, जुलाई 1946 में, ठीक है। आगे देखिए, हनुमानगढ़ में नियुक्त मुंसिफ मजिस्ट्रेट जिन्होंने राजनीतिक जन जागरण में आकर सरकारी नौकरी छोड़ दी थी, तो दोस्तों हनुमानगढ़ में नियुक्त मुंसिफ मजिस्ट्रेट थे, उन्होंने राजनीतिक जन जागरण में आने की वजह से सरकारी नौकरी छोड़ दी थी, तो ये कौन थे आपके, ये आपके हरदत्त सिंह चौधरी थे। कौन थे, हरदत्त सिंह चौधरी, ये आपको ध्यान रखना है, कौन हो जाएंगे दोस्तों, हरदत्त सिंह चौधरी, ठीक है। आगे देखिए, बीकानेर किसान आंदोलनों नेताओं में प्रमुख जिन्होंने किसान यूनियन क्यों पुस्तक लिखी थी, तो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसान यूनियन क्यों किसके द्वारा लिखी गई, तो ये कुंभा राम आर्य के द्वारा लिखी गई थी। किसान यूनियन क्यों कुंभा राम आर्य के द्वारा लिखी गई, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक है। आप खुद से सवाल पूछिए, किसान यूनियन क्यों किसने लिखी, कुंभा राम आर्य ने लिखी थी, ठीक है। मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना कब हुई, तो दोस्तों मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना मई 1938 में हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कब हुई थी, मई 1938 में हुई थी, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना मई 1938 में हुई, ठीक है। और इसका अधिवेशन 1942 में हुआ था दोस्तों, ठीक है। रणछोड़ दास गट्टानी के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था, ठीक है। आगे देखिए, डाबड़ा डिडवाना हत्याकांड कब हुआ, तो ये 13 मार्च 1947 को हुआ। डाबड़ा कहाँ पर है दोस्तों, ड से डाबड़ा, ड से डिडवाना, ठीक है। हत्याकांड कहाँ हुआ, तो 13 मार्च 1947 में हुआ, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कब हुआ, 13 मार्च 1947 को, ये डेट एग्जाम में पूछी जाती है। मोतीलाल चौधरी का संबंध किस किसान आंदोलन से था, तो मोतीलाल चौधरी का संबंध मारवाड़ किसान आंदोलन से है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए, तसीमो कांड का संबंध किस रियासत से था, तो दोस्तों तसीमो कांड का संबंध जो है ये आपका धौलपुर रियासत से है, ये भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए, राधा कृष्ण बोरा, किशन लाल शाह, सी आर चौपासनीवाला, मथुरादास माथुर, द्वारकादास पुरोहित, मोतीलाल चौधरी, मीठालाल, विजय शंकर का संबंध किस किसान आंदोलन से था, तो इनका संबंध भी दोस्तों मारवाड़ किसान आंदोलन से है, जिसमें आपको चौपासनीवाला दोस्तों स्पेशली ध्यान रखना है, ये काफ़ी बार पूछा जाता है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, 1942 चंद्रावल गांव, तो दोस्तों चंदावल की घटना जो है ये आपकी कब हुई थी, तो चंदावल की घटना आपकी मार्च 1942 में हुई थी, ये डेट भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो 1942 चंद्रावल गांव में उत्तरदायी शासन दिवस बनाने के समय मीठालाल, विजय शंकर, अन्य किसान घायल हो गए, इनका संबंध किस लोक परिषद से था, तो इनका संबंध मारवाड़ लोक परिषद से है, ये हमने अभी ऊपर देख लिया, मीठालाल और विजय शंकर, ठीक है। मेर विद्रोह को दबाने के लिए मारवाड़ बटालियन की स्थापना कब, वो मुख्यालय कहाँ बनाया गया, तो दोस्तों मेर विद्रोह को दबाने के लिए, किसको, मेर विद्रोह को दबाने के लिए मारवाड़ा बटालियन की स्थापना 1822 में ब्यावर में की गई, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मेरवाड़ा मारवाड़ा बटालियन की स्थापना 1822 ब्यावर में की गई, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ये भी एग्जाम में पूछी जाती है। आगे देखिए, 1818 से 1824 के बीच अजमेर का झाग क्षेत्र कौन सा, दोस्तों अजमेर का झाग क्षेत्र किस जाति के विद्रोह के लिए चर्चा में रहा, तो अजमेर का झाग क्षेत्र जो था दोस्तों ये मेर जाति के लिए चर्चा में रहा था, ये आपको ध्यान रखना है, मेर जाति ने यहाँ पर विद्रोह कर दिया था, इसलिए झाग क्षेत्र चर्चा में रहा, कौन सा क्षेत्र, झाग क्षेत्र, ठीक है। कहाँ पर ये, अजमेर में 1818 से 1824 के बीच में, ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है। आगे देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 133, भीलों के द्वारा अपने क्षेत्रों से गुजरने वाले माल व यात्रियों से कौन सा कर वसूलते थे, तो दोस्तों भीलों का अपना एक क्षेत्र होता था, अगर उस क्षेत्र से कोई गुजरता था तो ये उनसे कर लिया करते थे, उस कर का नाम क्या था दोस्तों, बोलाई, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, कौन सा हो जाएगा दोस्तों, बोलाई। ये सवाल अभी आरपीएससी के एग्जाम 2024 में पूछा गया है दोस्तों, आरपीएससी एग्जाम 2024 में पूछा गया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आरएसएमएसएसबी के द्वारा भी पूछा जाएगा, बोलाई क्या हो जाएगा दोस्तों, भीलों के द्वारा अपने क्षेत्रों से गुजरने वाले माल या यात्रियों से कर वसूला करते थे, ठीक है, तो क्या नाम हो जाएगा उसका, बोलाई हो जाएगा। आगे देखिए, 1841 में गठित मेवाड़ भील कोर का मुख्यालय कहाँ रखा गया, तो मेवाड़ भील कोर का मुख्यालय 1841 में गठित हुआ था, तो ये कहाँ पर रखा गया, खेरवाड़ा उदयपुर में रखा गया, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मेवाड़ भील कोर के तहत मेवाड़ के भील क्षेत्रों में कहाँ पर 2 छावनियाँ स्थापित की गई, तो ये खेरवाड़ा और कोटला में स्थापित की गई थी, ठीक है, मेवाड़ भील कोर के तहत,
ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, 1856 में महाराणा ने मेहता सवाई जयसिंह को उदयपुर राज्य के किस क्षेत्र में भील विद्रोह को दबाने हेतु भेजा? तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, महाराणा ने मेहता सवाई सिंह, क्या नाम है, मेहता सवाई सिंह को उदयपुर राज्य के किस क्षेत्र में भील विद्रोह को दबाने के लिए भेजा था? तो मेहता सवाई सिंह को किस क्षेत्र में भेजा था? कालीबास क्षेत्र में भेजा था, ठीक है, कालीबास क्षेत्र में भेजा था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 1856 की बात है, यानी कि 1857 की क्रांति के पहले की बात है। कालीबास में भेजा था, किसको? मेहता सवाई सिंह को, भील विद्रोह को दबाने के लिए महाराणा ने। आगे देखिए, 1873-74 के दौरान चिलकारी व शेरगढ़ गांव के भील, चिलकारी और शेरगढ़ गांव के भील, ये नाम ध्यान रखना है आपको, चिलकारी और शेरगढ़ गांव, 1873-74 की बात हो रही है दोस्तों, कब की बात हो रही है, 1873-74 के दौरान चिलकारी व शेरगढ़ गांव के भील। आगे देखिए, तो चिलकारी और शेरगढ़ गांव के भील छापामार गतिविधियों में लगातार विद्रोह कर रहे थे, यह किस राज्य के अंतर्गत आता था? तो दोस्तों ये बांसवाड़ा राज्य के अंतर्गत आता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चिलकारी और शेरगढ़ किस रियासत के अंतर्गत आता है? बांसवाड़ा के अंतर्गत आता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। भीलों में जन जागृति लाने वाले गोविंद गिरी डूंगरपुर के किस गांव के निवासी थे? गोविंद गिरी जो थे दोस्तों डूंगरपुर के बेड़सा गांव के निवासी थे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और गोविंद गिरी का संबंध किस परिवार से था? तो इनका संबंध बंजारा परिवार से हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बंजारा थे ये, और इनका संबंध डूंगरपुर के बेड़सा गांव से, ये भी आपको ध्यान रखना है, बेड़सा के ही निवासी थे। आगे देखिए, गोविंद गिरी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य देख लेते हैं दोस्तों। इन्होंने दयानंद सरस्वती की प्रेरणा से भीलों की सेवा की, कोटा बूंदी अखाड़े के साधु राजगिरी के शिष्य बने, 1883 में सिरोही में संप सभा की स्थापना की। तो दोस्तों इन्होंने फरवरी 1883 में संप सभा की स्थापना की थी, ये भी आपको ध्यान रखना है, दयानंद सरस्वती से ये प्रभावित है। इसके अलावा कोटा और बूंदी अखाड़े के साधु राजगिरी के शिष्य बने, ये किसके शिष्य बने दोस्तों? ये राजगिरी के शिष्य बने, क्या पता ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाए, ठीक है। उन्होंने भगत आंदोलन चलाया, तो भगत आंदोलन गोविंद गिरी के द्वारा ही चला गया था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और संप सभा की स्थापना दोस्तों 1883 में हुई। इसका प्रथम अधिवेशन कब हुआ था दोस्तों? तो प्रथम अधिवेशन इसका 1903 में हुआ था, और द्वितीय अधिवेशन 1913 में हुआ था, ठीक है, जहां पर मानगढ़ हत्याकांड हुआ था, तो उसके बारे में अभी पढ़ेंगे, ठीक है। आगे देखिए, गोविंद गिरी ने 1908 से 1910 तक राजपुताना छोड़कर सुंत व इडर के भीलों में कार्य किया, यह किस राज्य में? तो दोस्तों सुंत और इडर जो है ये आपकी कहां पर हो जाएगी? गुजरात में हो जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नवंबर 1913 में मानगढ़ पहाड़ी पर जब भील एकत्रित हुए तो अंग्रेजों की तरफ से भीलों के सम्मेलन को कुचलने के लिए कौन सी कंपनियां पहुंची? तो दोस्तों कौन सी कंपनियां पहुंची थी? तो यहां पर आपकी मेवाड़ भील कोर पहुंची थी, यह आपको ध्यान रखना है, 104 वेलेजली राइफल्स पहुंची थी, 7वीं राजपूत रेजिमेंट पहुंची थी, ठीक है। एक तो आपकी 104 वेलेजली राइफल्स हो जाएगी, 7वीं राजपूत रेजिमेंट हो जाएगी, और यहां पर मेवाड़ भील कोर हो जाएगी, ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है। और मानगढ़ पहाड़ी पर मानगढ़ हत्याकांड कब हुआ था दोस्तों? तो ये भी हम देखेंगे, ये कब हुआ था आपका? तो 17 नवंबर 1913 को हुआ था, ठीक है। राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड, मानगढ़ धाम हत्याकांड कब हुआ? तो ये 17 नवंबर 1913 को हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसे राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। जबकि दोहरी डायरी शाही किसको कहा गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा? वो आपके निमूचना हत्याकांड को कहा गया था, जो कि अलवर रियासत में हुआ था। अब यहाँ पर देखिए, 17 नवंबर 1913 मानगढ़ हत्याकांड में अंग्रेजी दस्तावेजों के अनुसार कुल कितने भील मारे गए? तो दोस्तों अंग्रेजों ने अपने दस्तावेजों में कितना दिखाया, कितने भील मारे गए? तो 100 भील मारे गए, ये अंग्रेजों के अनुसार दस्तावेजों में दिखाया गया था, ये आपको ध्यान रखना है, जो कि झूठ ही होगा, सच तो होगा नहीं, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे लोग मारे गए थे, ठीक है। तो अंग्रेजी दस्तावेजों में कितने दिखाए गए? 100 दिखाए गए थे। आगे देखिए, 17 नवंबर 1913 मानगढ़ धाम हत्याकांड के बाद गोविंद गिरी की स्थिति क्या थी? गोविंद गिरी व पुंजिया भील को बंदी बना लिया गया, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पुंजिया भील, गोविंद गिरी को पहले आजीवन कारावास की सजा दी गई, फिर उसे 10 वर्ष में, फिर उसे 7 वर्ष के पश्चात रिहा कर दिया गया, ठीक है। सुंत जो कि गुजरात में है दोस्तों, डूंगरपुर बांसवाड़ा कुशलगढ़ व इडर राज्य में प्रवेश निषेध कर दिया गया इनका, ठीक है, यानी सुंत में, इडर में, कुशलगढ़, बांसवाड़ा और डूंगरपुर में इनका प्रवेश निषेध कर दिया गया। सरकारी निगरानी में अहमदाबाद संभाग के अंतर्गत पंचमहल जिले के झालोद गाँव में रहने लगे, ठीक है। तो दोस्तों ये सरकारी निगरानी में रहने लगे थे, कहाँ पर? अहमदाबाद संभाग में, ठीक है, पंचमहल जिले के झालोद गाँव में, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, ये भी पूछा जा सकता है दोस्तों, कौन से गांव में रहने लगे थे? तो झालोद गांव में रहने लगे थे, अहमदाबाद संभाग। आगे देखिए, मोतीलाल तेजावत का जन्म उदयपुर राज्य के किस गांव के अंदर हुआ? तो दोस्तों मोतीलाल तेजावत का जन्म जो होता वो कोलियारी गांव झाड़ोल में हुआ, ये आपको ध्यान रखना है। कहां पर हुआ मोतीलाल तेजावत का जन्म? कोलियारी गांव झाड़ोल में हुआ था। मोतीलाल तेजावत का संबंध किस जाति से था? तो ये ओसवाल बनिया थे दोस्तों, ठीक है, ओसवाल बनिया हो जाएंगे मोतीलाल तेजावत, जबकि गोविंद गिरी क्या थे दोस्तों? वो आपके बंजारे थे, ठीक है। आगे देखिए, भीलों में जन जागृति फैलाने के लिए 1921 में एक ही आंदोलन की शुरुआत किसने की? तो दोस्तों एक ही आंदोलन की शुरुआत मोतीलाल तेजावत के द्वारा कब की गई थी? 1921 में की गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। और भगत आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? वो आपकी गोविंद गिरी ने की थी।
उदयपुर के बाद मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में आदिवासी आंदोलन का दूसरा महत्वपूर्ण केंद्र कौन सा बना था? तो दोस्तों उदयपुर के बाद मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में आदिवासी आंदोलन का दूसरा महत्वपूर्ण केंद्र आपका सिरोही बना था। यह बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। उदयपुर के बाद कौन सा बना आंदोलन का केंद्र? सिरोही बना था, ठीक है। महात्मा गांधी, विजय सिंह पथिक व राजस्थान सेवा संघ के नेताओं की सहायता से सिरोही आदिवासी आंदोलन को समाप्त करने का प्रयास किसने किया जो असफल रहा? तो ये दोस्तों रमाकांत मालवीय ने किया था। किसने किया था दोस्तों? ये रमाकांत मालवीय ने किया था, ये आपको ध्यान रखना। किसने किया था? ये रमाकांत मालवीय के द्वारा किया गया था। ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। सिरोही के अंदर भील आंदोलन को समाप्त करने का प्रयास किसने किया? रमाकांत मालवीय ने किया था, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, 5 मई 1922 को अंग्रेजी सेना ने बलोरिया नामक गांव पर आक्रमण किया और उस क्षेत्र को जला दिया, यह किस रियासत में था? तो दोस्तों बलोरिया जो है ये आपका कहां पर हो जाएगा? बलोरिया आपका कहां पर हो जाएगा दोस्तों? ये सिरोही में हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। 1922 को अंग्रेजी सेना ने बलोरिया नामक स्थान पर आक्रमण किया और उस क्षेत्र को इन्होंने जला दिया, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, 1851 में उदयपुर राज्य में जहाजपुर प्रगना के किस जनजाति ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था? तो दोस्तों जहाजपुर प्रगना जो था उसमें किस जनजाति ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था? तो ये मीणा जनजाति ने विद्रोह कर दिया था, ये आपको ध्यान रखना है उदयपुर राज्य के, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, मीणाओं के विद्रोह को दबाने के लिए देवली छावनी को कब गठित किया गया? तो 1855 में गठित किया गया दोस्तों, ठीक है। देवली छावनी जो थी उसको 1855 में गठित किया गया। किनके विद्रोह को दबाने के लिए दोस्तों? मीणाओं के विद्रोह को दबाने के लिए। इसको कैसे याद रखोगे आप? ऐसे याद रखिए दोस्तों, देवा मीणा, ठीक है। तो देवा से आपका तो क्या हो जाएगा दोस्तों? देवली हो जाएगा, और मीणा से आपका मीणा के विद्रोह को दबाने के लिए 1855 में, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, मानगढ़ हत्याकांड के बाद गोविंद गिरी तथा डूंगर के पटेल पूंजाधीर को बंदी बनाकर कहाँ रखा गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ठीक है। तो गोविंद गिरी को दोस्तों संत रामपुर की जेल और अहमदाबाद की साबरमती जेल में रखा गया था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। गोविंद गिरी को कहाँ पर रखा गया? संत रामपुर की जेल और अहमदाबाद की साबरमती जेल। आगे देखिए दोस्तों, गोविंद गिरी की मृत्युदंड की सजा को किसने आजीवन कारावास की सजा में बदल दिया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, किसने आजीवन कारावास की सजा में बदल दिया जबकि उनको मृत्युदंड की सजा मिली थी? तो ये आरपी बारो। क्या नाम हो जाएगा दोस्तों? आरपी बारो। आरपी सिंह नहीं है दोस्तों, आरपी बारो है, ठीक है। आगे देखिए, गुरु गोविंद गिरी की सजा को कम करते हुए उन्हें कब संत रामपुर जेल से रिहा किया गया? तो दोस्तों संत रामपुर जेल से इन्हें 1 जुलाई 1923 को रिहा किया गया, ये आपको ध्यान रखना है। कब रिहा किया गया? 1 जुलाई 1923 को, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। सुरजी भगत का संबंध किससे था? तो दोस्तों सुरजी भगत का संबंध जो है वो भीलों में धार्मिक एवं सामाजिक सुधारों से है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए, गुरु गोविंद गिरी का निधन कब हुआ? गोविंद गिरी का निधन दोस्तों 1931 30 अक्टूबर को हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इनको रिहा 1923 में किया गया और इनका निधन 1931 में हुआ, 30 अक्टूबर 1931 को। मानगढ़ धाम में शहीद स्मारक का लोकार्पण किया गया, तो दोस्तों मानगढ़ धाम में शहीद स्मारक का लोकार्पण कब किया गया? यह सवाल भी आपका नेक्स्ट एग्जाम में बन सकता है। ये 2 सितंबर 2002 को किया गया, ये आपको ध्यान रखना है। कब किया गया? 2 सितंबर 2002 को शहीद स्मारक का निर्माण मानगढ़ धाम में किया गया 2002 में। आगे देखिए, बांसवाड़ा की मानगढ़ पहाड़ी पर गुरु गोविंद गिरी के अनुयायियों पर मेवाड़ राज्य व अंग्रेजी सेना द्वारा किए गए भीषण नरसंहार का शताब्दी समारोह कब प्रारंभ हुआ? तो शताब्दी समारोह मनाना कब प्रारंभ किया दोस्तों? 17 नवंबर 2012 से, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 17 नवंबर 2012 से, एक तो आपका 2002 हो गया जिसमें तो आपका शहीद स्मारक बनाया है, ठीक है, और एक आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? शताब्दी समारोह हो जाएगा 2012 का। नीमड़ा हत्याकांड कब हुआ? तो नीमड़ा हत्याकांड आपका 1921-22 में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नीमड़ा हत्याकांड, इसके बारे में अभी हम देखेंगे। मेवाड़ पुकार नामक 21 सूत्रीय मांग पत्र तैयार किया था, तो दोस्तों 21 सूत्रीय मांग पत्र मोतीलाल तेजावत के द्वारा तैयार किया गया था जिसे मेवाड़ पुकार के नाम से जाना जाता है। मेवाड़ की पुकार या मेवाड़ पुकार के नाम से 21 सूत्रीय मांग पत्र मोतीलाल तेजावत द्वारा तैयार किया गया था मेवाड़ महाराणा के लिए, यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब आ गया दोस्तों, निमड़ा हत्याकांड किस आंदोलन से संबंधित है? तो निमड़ा हत्याकांड जो है ये आपका एक ही आंदोलन से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। कौन से आंदोलन से संबंधित है दोस्तों? एक ही आंदोलन से संबंधित है, ठीक है। महात्मा गांधी ने मोतीलाल तेजावत द्वारा आंदोलन को वापस लेने के लिए उनके पास किसे भेजा? वापस दोस्तों एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोतीलाल तेजावत जो थे इनके द्वारा आंदोलन वापस ले लिया जाए, इसके लिए महात्मा गांधी ने किसे भेजा? तो मणिलाल कोठारी को भेजा। तो म से तो आपका मोतीलाल हो जाएगा, मोतीलाल को समझाने के लिए किसे भेजा दोस्तों? मणिलाल को भेजा, यानी महात्मा गांधी जी ने मणि भेज दी, ठीक है, मोतीलाल तेजावत को समझाने के लिए, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए, इडर राज्य की पुलिस ने खेड़ ब्रह्म गांव से श्री मोतीलाल तेजावत को कब गिरफ्तार किया? तो दोस्तों मोतीलाल तेजावत को इडर राज्य की पुलिस ने गिरफ्तार किया था खेड़ ब्रह्मा से 3 जून 1929 को, यानी इन्हें 1929 को गिरफ्तार किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है।
गोविंद गिरी जो होते हैं उन्हें संत रामपुर की जेल में डाला गया था, अहमदाबाद की जेल में डाला गया था, वो बात भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। आगे देखिए 1929 में मोतीलाल तेजावत को गिरफ्तार कर कहाँ रखा गया, तो दोस्तों मोतीलाल तेजावत को गिरफ्तार करके उदयपुर जेल में रखा गया, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मोतीलाल तेजावत का निधन हुआ, मोतीलाल तेजावत का निधन दोस्तों 1963 में हुआ, 5 दिसंबर 1963 को, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इन्हें गिरफ्तार कब किया गया था, 1929 में। किस जनजाति के लोगों को पाबंद करने हेतु जयपुर रियासत में 1930 में जयराम पैसा कानून लागू किया गया था, तो दोस्तों 1930 में जयराम पैसा कानून लागू किया गया था, ठीक है, कुछ लोगों को पाबंद करने हेतु, तो ये मीणा जनजाति के लोग थे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जयराम पैसा कानून रद्द कब हुआ, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1952, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है कब हुआ ये रद्द, तो 1952 में हुआ था। आगे देखिए किसकी अध्यक्षता में मीणा जाति का एक विशाल सम्मेलन अप्रैल 1944 में नीम का थाना में हुआ, तो ये संत मगन सागर जी के नेतृत्व में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। अप्रैल 1944 में एक विशाल सम्मेलन हुआ था दोस्तों नीम के थाना में, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, संत मगन सागर जी के नेतृत्व में। 28 अक्टूबर 1946 को मीणाओं का विशाल सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ, जिसमें चौकीदार मीणाओं ने चौकीदारी के काम से इस्तीफा देकर मुक्ति दिवस मनाया, तो दोस्तों ये बागावास में हुआ था, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, कहाँ पर हुआ, बागावास में, तो दोस्तों चौकीदार मीणाओं ने इस्तीफा देकर इसे मुक्ति दिवस के रूप में मनाया था। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, भगत आंदोलन शीर्षक के नाम से पुस्तक के लेखक है, तो भगत आंदोलन जो शीर्षक है उस नाम से पुस्तक के लेखक कौन है, वी के वशिष्ठ। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, आप सोचते होंगे ये क्वेश्चन कहाँ से पूछ लिया गया, तो भैया ये क्लास 9 से पूछा गया है, ठीक है। आगे देखिए सेकावटी में 5 प्रमुख ठिकाने जिन्हें पंचपाणे के नाम से जाना जाता है उनमें कौन कौन शामिल है दोस्तों, बिसाऊ, मलसीसर, मंडावा, नवलगढ़, ढूंढलोद, ठीक है। इन्हें कैसे याद रखोगे दोस्तों आप, यहाँ से सवाल इसी तरीके से पूछा जाता है, पंचपाणों में कौन शामिल नहीं है, ठीक है, दो बार ये क्वेश्चन आ चुका है, तो इसे कैसे याद रखोगे आप दोस्तों, एक तो आपका मंडावा जाएगा, मंडावा, और एक आपका हो जाएगा मलसीसर, तो मंडावा मलसीसर को बिसर जाओ, मंडावा मलसीसर को बिसर जाओ, और किसको याद करो दोस्तों, नवलगढ़ और ढूंढलोद को, ठीक है, नवलगढ़ और ढूंढलोद को याद करो, इस तरीके से आप याद रख सकते हो, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, अगला सवाल देखिए दोस्तों, जुलाई 1921 में मोतीलाल तेजावत ने भील आंदोलन कहां से प्रारंभ किया था, भील आंदोलन दोस्तों कोटड़ा उदयपुर से प्रारंभ हुआ था, यह आपको ध्यान रखना है। 1885 में सज्जन कीर्ति सुधारक नामक समाचार पत्र कहां से प्रकाशित होता था, तो सज्जन कीर्ति सुधारक नामक समाचार पत्र दोस्तों उदयपुर से प्रकाशित होता था, यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कब होता था, 1885 में। अगला सवाल देखिए, 1885 में अंग्रेजी साप्ताहिक समाचार पत्र राजस्थान टाइम्स कहाँ से प्रकाशित होता था, तो दोस्तों साप्ताहिक समाचार पत्र था राजस्थान टाइम्स, ये कहाँ से प्रकाशित होता था, ये अजमेर से प्रकाशित होता था 1885 के समय में, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और सज्जन कीर्ति सुधारक भी 1885। आगे एक सवाल और देख लीजिए दोस्तों, केसरी सिंह भारत ने एडवर्ड सप्तम के राज्य रोहण में दिल्ली जाने से किस मेवाड़ महाराणा को चेतावनी रा चुंगटिया नामक 1300 लिखकर रोका था, तो दोस्तों ये किसने किसको रोका था, फतेह सिंह को रोका था, किसने रोका था, केसरी सिंह भारत ने 1300 लिखे थे दोस्तों, कौन सी भाषा में लिखे थे, डिंगल भाषा में लिखे थे, ये आपको ध्यान रखना है। और ये कब की बात है दोस्तों, तो ये 1903 की बात है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहाँ से दोस्तों हमारे सभाओं और प्रजामंडलों के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे दोस्तों, तो ये क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है, 178 से हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों, वहाँ पर भी काफ़ी सारे अच्छे क्वेश्चन डाले जाते हैं, ठीक है, थैंक यू सो मच।